हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आज मैं आपको अपना HSD टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपना HSD टेस्ट कब करवाया। तो मेरे न्यू ईयर की शुरुआत ही HSD टेस्ट से हुई है। मैंने अपना HSD टेस्ट 2 तारीख को, मतलब 2/1/2022 को करवाया। मैंने अपना HSD टेस्ट कहाँ से करवाया और मुझे कितना कॉस्ट आया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा जो HSD टेस्ट है वो 2 तारीख को हुआ था, मतलब 2/1/2022 को हुआ था। मैंने अपने HSD टेस्ट आगरे से करवाया क्योंकि मेरी शादी जो है आगरे में हुई है और मेरी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरी एज सिर्फ 24 थी, 24 ही है अभी भी, 24 थी। और मुझे HSD टेस्ट मतलब ज़रूरी हो गया था करवाना, मुझे ऐसी प्रॉब्लम ही हो गई थी। अब मैं HSD टेस्ट कराना मुझे ज़रूरी हो गया था। वैसे मेरा HSD टेस्ट है जो एनेस्थीसिया के साथ हुआ था, तो मुझे ज़्यादा कुछ पेन नहीं हुआ। उन्होंने, जब मैं वहाँ पे गई थी तो मतलब वहाँ काउंटर में मैंने एक दिन पहले ही उनसे फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो उन्होंने बोला, टाइम दे दिया था कि आपको इतने टाइम आना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और इंजेक्शन दिया। अब ये तो मुझे नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन दी थी और इंजेक्शन दिया था उन्होंने मुझे। उसके बाद हम बहुत देर तक वेट करते रहे क्योंकि वहाँ पे लाइन ही लगी थी बहुत, मतलब बहुत सारे पेशेंट बैठे थे जो कि हमसे पहले आए थे, जिनका हमसे मतलब बहुत पहले से नंबर लगा था। तो वेट करते रहे, फिर उसके बाद मेरा नाम आया तो मैं गई अंदर गई। अब क्या हुआ, अंदर गई और जब मैंने वहाँ पे जो हजार हजार जो भी सब पक्के रहते हैं मैंने देखा, तो समझ गई आज तो बहुत ही ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैडम ने मेरा HSD टेस्ट किया और फिर मुझे इतना पेन हुआ, प्लस ब्लीडिंग भी होने लगी। और फिर रिपोर्ट कुछ ऐसी आई कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, मैं बाहर रोते रोते आई। उसके बाद हो गया। तो अब आप मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।